तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी YouTube शॉर्ट वीडियो को ब्राउज फीचर या शॉर्ट फीड में कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, आपको YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो कि अपनी वीडियो में दावा करते हैं कि इस तरह से आप अपनी शॉर्ट वीडियो को ब्राउज फीचर में ला सकते हैं, इस तरह से आप अपने शॉर्ट फीड में ला सकते हैं और अपनी वीडियो को यहाँ पर वायरल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका वही कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि आखिर किस तरह से काम करता है शॉर्ट वीडियो, किस तरह से हमारा ब्राउज फीचर में जाता है, किस तरह से शॉर्ट फीड में जाता है। सारा कुछ कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में दूर होने वाला है। लाइव प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। सो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब के अंदर एक नया अकाउंट लगा रखा है, बिल्कुल नया अकाउंट है और इसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन भी देख सकते हैं। मैंने किसी भी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइब्रेरी के अंदर आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने किसी भी टैग वीडियो को यहाँ पर नहीं देखा है। अब दोस्तों चलिए हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं किस तरह हमारी जो शॉर्ट वीडियो है टैग से रिलेटेड वो ब्राउज फीचर में जाती है या शॉर्ट फीड में जाती है। अब दोस्तों मैं इसके लिए एक चैनल यहां पर एक्सपेरिमेंट के लिए निकालूंगा, टेक्निकल टॉक विद मी। तो ये एक चैनल है टेक्निकल टॉक विद मी, आप देख सकते हैं ऊपर दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर इनका चैनल आ चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं और जब कोई बंदा यहाँ पर टैग से रिलेटेड वीडियो देखता है तो उसके पास आपकी वीडियो का इंप्रेशन जाता है और वो आपकी वीडियो को वहाँ से वॉच कर सकता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी ये बहुत सारी वीडियो हैं। अब दोस्तों मैं आपको इनकी एक वीडियो यहाँ पर प्ले करके दिखाने वाला हूँ कि शॉर्ट फीड में जाएगी या ब्राउज फीचर में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी सबसे ऊपर वाली वीडियो है जो कि एक शॉर्ट वीडियो है और यहाँ पर मैं इसे जब प्ले करूँगा तो ये यहाँ पर शॉर्ट फीड में मुझे दिखाई देगी। अब दोस्तों आप देखिएगा कि किस तरह से हमारी वीडियो शॉर्ट फीड में जाती है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी ये वीडियो है जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर शॉर्ट फीड में यहाँ पर मैं इनकी वीडियो को यहाँ पर देख रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और मैं इनके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी नहीं करूँगा, बस एक बार इनकी वीडियो को यहाँ पर मैं लाइक कर देता हूँ। अब मैं इनकी दोस्तों वीडियो को यहाँ पर फुल वॉच कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसे थोड़ा ब्लर कर दूंगा क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट वगैरह आ सकता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए इसे ब्लर कर दूंगा या उसके ऊपर कोई वैसा इमेज वगैरह यहाँ पर लगा दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर वॉच कर लिया है और इस वीडियो को मैंने लाइक कर दिया है और ना ही मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब किया है ना ही बेल आइकन को प्रेस किया है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर मैं YouTube को यहाँ से क्लोज कर दूँगा। क्लोज करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर YouTube को दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, तो नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप शॉर्ट फीड में यहाँ पर देख सकते हैं इनकी कोई भी यहाँ पर वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि दोस्तों ये एक नया अकाउंट था। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार इसे यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों मैं थोड़ा और नीचे आऊँगा, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनकी कोई भी यहाँ पर वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि दोस्तों हमने इनके चैनल को यहाँ ना ही इनका सब्सक्राइब किया है, बस वीडियो को लाइक किया है। अभी दोस्तों हमने कोई भी अदर वीडियो को यहाँ पर नहीं प्ले किया है कोई भी टैग रिलेटेड, बस एक ही यहाँ पर टैग वीडियो देखा है जो कि टेक्निकल टॉक विद मी चैनल का है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाऊँगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वो वीडियो आ रही है, व्यूज़ हज़ारों आते हैं जो अभी अभी हमने यहाँ पर प्ले किया था शॉर्ट फीड में। लेकिन दोस्तों हम हिस्ट्री के अंदर जब इसको प्ले करेंगे तो ये यहाँ पर ब्राउज फीचर में प्ले होगा, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड भी आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इनके ऐड को यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों देखते हैं। तो इनका दोस्तों यहाँ पर ब्राउज फीचर में ये प्ले हो गया है, यानी जो लॉन्ग वीडियो प्ले होता है उसी फॉर्मेट और उसी फॉर्मेट में यहाँ पर ये प्ले हो गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं इनकी वीडियो को लाइक कर देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनको यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर होगा क्या। तो मैंने दोनों मेथड से आपको प्ले करके दिखाया वीडियो, एक तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फीड में दिखाया वो भीतर जाकर चैनल के, और एक यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर जो लॉन्ग वीडियो प्ले होता है ब्राउज फीचर जैसा उस तरह से मैंने आपको प्ले करके दिखाया। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इनकी वीडियो को यहाँ पर प्ले कर दिया है। अब दोस्तों चलिए मैं यहाँ से इनकी वीडियो को यहाँ पर थोड़ा क्लोज कर देता हूँ और नीचे भी दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी एक वीडियो यहाँ पर मुझे सजेशन में आ रहा है और भी आ रही है वीडियो। तो चलिए दोस्तों अभी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, तो चलिए यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों होम पर जाऊँगा और यहाँ से दोस्तों मैं इसे एक बार क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद दोस्तों मैं यहां पर दोबारा से YouTube को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं इनकी जो वीडियो हैं मेरे ब्राउज फीचर में शो होने लग गई हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 महीने इन्होंने अपलोड किया है, जो कि एक साल में 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी वीडियो भी आ रही है, यहाँ पर कम्युनिटी भी आ गया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपकी वीडियो को एक बार कोई ब्राउज फीचर में अगर वॉच कर लेता है और आपकी वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है तो आप जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे, अगली जो भी वीडियो होंगी उसके ब्राउज फीचर में 100% शो होंगी। सो दोस्तों आई होप कि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आएगा और आपका कन्फ्यूजन है जो ब्राउज फीचर शॉर्ट फीड वाला है वो भी दूर हो गया होगा। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है और यूजर नेम है टेक्निकल कोची। सो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।